तो दोस्तों नमस्कार, करियर गुरुजी के एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी मल्टीटास्किंग, जो एमटीएस का फॉर्म आया था जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, उसके कट वेलकम टू द एसएससी। ऑफ की बात करें। देखिए, कट ऑफ की जब बात करें एसएससी एमटीएस की, हालांकि भी एग्ज़ाम होगा, तो कट ऑफ हम पिछले सालों को देखकर या पिछले सालों को जो कट ऑफ गए थे और पिछले सालों के जो पेपर्स आए थे, जो किस हिसाब से उनका लेवल था, टफ थे सिंपल थे, उस हिसाब से कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। तो यदि हम पिछले सालों की बात करें, पिछले साल की हम बात करें यदि, तो एसएससी एमटीएस के लिए जो कट ऑफ गया था वो जनरल के लिए लगभग 110 से 120, और ओबीसी के लिए 110 से 115, और एससी के लिए 100 के आसपास गया था। यही जो इसका कट ऑफ होता है एमटीएस का, वो साइड बाय साइड, रीजन बाय रीजन वो डिपेंड्स करता है। अलग रीजन का कट ऑफ अलग जाते हैं। तो जो रीजन डिसाइड किए हैं, जैसे वेस्टर्न रीजन, नॉर्थन रीजन, ईस्टर्न रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन, साउथर्न रीजन, अलग अलग रीजन का अलग अलग कट ऑफ होता है एमटीएस का। तो एक प्रडिक्शन के हिसाब से, एक जो पिछले साल के कुछ एनालिसिस के हिसाब से, और एक बात और इसमें है, जो पिछले साल पेपर होते थे वो ऑफलाइन होते थे, इस साल जो है ऑनलाइन एग्जाम कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ्स होंगे, कुछ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे मिल सकता है, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 100 से 120 तक स्कोर करना होगा। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 100 से 120 तक स्कोर करना होगा। यदि आप सेफ रीजन की बात करें तो आप 120+ हैं, तो आप सेफ रीजन में हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 100 से 120, यदि आप सेफ रीजन में जाना चाहते हैं तो 120+। वही ओबीसी वालों के लिए 90 to 105 सेफ रीजन, 100+। एससी वालों के लिए 85 to 90 सेफ रीजन, 95+। और एसटी वालों के लिए 70 to 85 सेफ रीजन, 85+। तो ये सब एक ओवरव्यू रहा कट ऑफ का एसएससी एंड एमटीएस का, मल्टीटास्किंग का, स्टाफ का। और इसके बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यदि आप एसएससी के एमटीएस एग्जाम से सोच रहे हैं कैसे ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो यहाँ पे आप ssc.nic.in पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पे जो है ओवरव्यू दिया गया है। यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको बताया बताया गया है कैसे कैसे आपको एग्जाम देना है। तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, एक डेमो है जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। यदि आपने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हो सकता है आप वहाँ पे जाएं आपको कुछ समझ में ना आए। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे जो है एग्जाम के जो डेमो है उसको जरूर देख लीजिएगा, यदि आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।